right? We have studied about work and we have actually basically we have studied about work and work done by a constant force. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था work done by a constant force. आपने ये पढ़ा था कि if the force is constant, अगर force constant होता है and let the amount of force is F acts on an object, then what is work done? Work done is equals to force into displacement, force that is applied on the object and the distance or the displacement that is the object have covered, जो भी object ने distance या displacement cover किया था उसके उसको multiply करेंगे अगर आप force से, that will give you the work done by that force. Work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. So work done equals to क्या आया था, work done equals to force into displacement, right? Work done का formula कितना आया था बेटा? Work done equals to force into displacement, right? Force displacement. Very good. उसके बाद अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम व्हाट यू मतलब व्हाट इज 1J. नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज 1J. आपको स्क्रीन दिख रही है, पेंट दिख रहा है आपको? यस मैम. ओके यस मैम. नाउ सी बेटा वर्क डन तो आपने पढ़ लिया, लाइक व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये ठीक है. उसके बाद आपने ये पढ़ा कि वर्क डन इज अ यू नो इट इज अ स्केल ऑफ क्वांटिटी, इट इज ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन. वर्क डन जो भी आप काम कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल होगा? जितना उस पर फोर्स अप्लाई हुआ प्लस जितना वो डिस्प्लेस हुआ है, दैट विल गिव यू द वर्क डन. अब 1J का मतलब क्या होता है? 1J का मतलब होता है 1 जूल, 1 जूल ऑफ वर्क डन. हम ये कब बोलेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है? जूल मैंने आपको बताया था कि वर्क डन को आप जब मेजर करते हो तो उसकी दो एसआई यूनिट होती है. मतलब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. हम लोग वर्क डन के लिए, जूल वॉज अ साइंटिस्ट, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को निकाला, तो हमने क्या किया है, हमने अपने नाम पर इसकी मेजरिंग यूनिट रख दी है. द यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरिंग वर्क डन इज जूल. फर्दर दिस अदर यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क डन विल बी दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ओनली एंड न्यूटन मीटर. यस न्यूटन मीटर. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट फॉर मेजरिंग वर्क डन, अगर हम वर्क डन को मेजर करते हैं तो वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर. फर्दर वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ जूल, बिकॉज जूल इज एन अदर यूनिट ऑफ वर्क डन. वर्क डन को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है एंड दैट इज जूल. समझ में आया बेटा? जिस बच्चे ने हमसे पूछा था मैम व्हाट इज 1J, जूल को हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट कैपिटल जे से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग न्यूटन वॉज अ साइंटिस्ट, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे और हम लोग फोर्स को न्यूटन के यू नो इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूटन we measure force in terms of newton and we just simply give a alphabet capital N for measuring force and that is the abbreviation for newton. newton beta newton N jo hum use karte hain wo force ke liye use karte hain. similarly work done ko calculate karne ke liye जूल was a scientist और उनके नाम से हमने मतलब उनका initial capital J लिया है for using the unit of कैलकुलेशन फॉर द वर्क डन. वर्क डन जब भी हम वर्क डन लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 10 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स? 50. नाउ दिस 50 इज द मैग्नीट्यूड. 50 जूल्स, राइट? सो वी कैन राइट दैट द वर्क डन इज इक्वल टू 50J. जे मीन्स जूल्स. तो वर्क डन को हम लोग 50J भी लिख सकते हैं बिकॉज यू नो दैट जूल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क डन. फर्दर यू कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल यूनिट दैट इज 50. आप क्या लिख सकते हो उसको बेटा? न्यूटन मीटर. वेरी गुड. न्यूटन मीटर. यू कैन राइट इट एज 50 न्यूटन मीटर. बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही
वर्क डन एंड न्यूटन मीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क डन. तो जूल, अब आपको समझ में आया दिस जे इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग जूल. नाउ अब आपका क्वेश्चन था दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन जूल. अब वन जूल का मतलब है वर्क डन विच इज इक्वल्स टू वन. हम कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट ने वन जूल वर्क डन किया है, ये कब हो सकता है? आपको फॉर्मूला पता है W इक्वल्स टू F इंटू S. अब इसका प्रोडक्ट अगर 1 आएगा तभी तो बेटा 1 जूल आंसर आएगा. पहले ये समझ में आ रही है आपको कि नहीं? अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आएगा तभी तो वर्क डन 1 जूल होगा. तो इसका मतलब 1 आने के लिए मल्टीप्लीकेशन में आपका F भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. इंटू एस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. व्हेन यू मल्टीप्लाई 1 विद 1 देन ओनली यू गेट 1, राइट? सो 1 जूल ऑफ वर्क डन विल यू नो विल बी एक्सप्लेन एज व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स एंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, मतलब इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ओवर अ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट गॉट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स ने कितना वर्क डन करा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स इनटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. और द अदर यूनिट ऑफ वर्क डन इज 1J. 1J मींस 1 जूल. Exactly. So have you understood that what is 1 joule? 1 joule is the work done when the force applied on any object is 1 newton and the object got displaced by 1 meter distance. Clear? Anyone having any doubt? Say anyone. Anyone is having any doubt in this? No. Very good. So, ये क्वेश्चन जरूर आता है, 1 जूल वाला क्वेश्चन हमेशा. मैं आई डाउट क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन टॉपिक पे चलेंगे. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. वेट, अच्छा हैव यू डन दिस न्यूमेरिकल्स? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन,
and you are applying force in the you are applying force in the other direction while the object is moving in the other direction. तो दोनों ही जब opposite direction में होंगे, मतलब displacement opposite direction में हो रहा है and you are applying force in the other direction, तो क्या होगा उस केस में? हम लोग work done को कैसे ले लेंगे बेटा? We will take the work done as negative when the force acts opposite to the direction of displacement. Similarly, जब work done is positive हम कब लेंगे? When the object and the the displacement are both in same direction. Clear? Yes. W positive कब होगा? When force and displacement are both in the same direction. And W is negative when the force and displacement are in opposite direction. These are the sign convention or these are the sign for work done. Okay, positive work done कब लेंगे? Negative work done कब लेंगे? Now come to example number 11.2. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head. 1.5 meter above the ground. ठीक है, एक कोई पॉटर है, उसका लगेज जमीन पे रखा हुआ है, उसने 15 केजी लगेज को वहां ग्राउंड से उठाकर he just put that on its head, उसने अपने हेड पे रखा और उसने कितना हाइट 1.5 meter above the ground से 1.5 meter above अपने सर पे रखा. नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. उसने कितना वर्क डन किया है उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर अपने सर पे प्लेस करने के लिए. Can anybody find this? Yes, ma'am. Ma'am, we can find the force by the formula of mg. Mg. How? Mass into gravity. Very good. Very good. Yes, ma'am. So 15 into 9.8. Now, yes, ma'am. We can do 9.8, but after rounding off, we will take it as 10. Yeah. It will come 10. Exactly. Now see what is happening. आपको पता है आपको mass of the object is given. But if you are taking or putting on it your head, what is happening? The force of gravity, जो gravitational force है वो act करेगा and you know that force will be equals to W. W क्या होता है? Weight of the object and that will be equals to mass into gravity. Mass is given 15 kg. You can take the value of g as 9.8 or 10. आप दोनों में से कोई भी value ले सकते हो. If you take 10, तो आपका calculation easy हो जाता है. So you just take 10. तो 15 into 10, 150 newton तो आपका force हो गया. And what is the displacement? आपने object को कहाँ से उठाके कहाँ पे रखा हुआ है? See. 1.5 सिर्फ मास गिवन है और कुछ नहीं गिवन है. इट मीन ग्रेविटी और आपको ग्राउंड के बारे में बताया गया है एंड यू आर लिफ्टिंग समथिंग अगेंस्ट ग्रेविटी. सो इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ फोर्स लग रहा है यहाँ पे एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम इनटू जी आपने निकाला एंड दिस विल इक्वल्स टू हाउ मच? 225 जूल. क्लियर? इज इट क्लियर? सो मैम, कैन वी टेक 10 meter per second square एज अ वैल्यू फॉर ग्रेविटी? यस, यस, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस. Now you see that the displacement is given 1.5 meter, 15 is the mass. So, if you have 10 ke multiple se aap multiply karoge, to aap easily nikal loge. So, calculations ko easy karne ke liye, we can take the value of g equals to 10 meter per second square. Now, I think we have done with the question number 1, 2 and 3, right? Humne 1, 2, 3 discuss kar liya tha. Yes, so have you done question number 4? Yes, ma'am, done. Okay, so 2100 newton. How many of you get the same answer? Yes. Yes. A pair of balls. Yes, newton is joule. Okay. It's joule. Newton work done. Yes, ma'am, it's joule. Okay, so work done is asked. That not is joule. Okay, beta. Work done is asked, not the force. A pair of bullocks exerts a force on one of 140 newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. आपने एक प्लग पर फोर्स लगाया है.
थी न्यूटन का, और जो फील्ड है वो कितनी प्लग हो गई है, अराउंड 15 मीटर. 15 मीटर जो फील्ड है वो प्लग हो गई है. हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, आपको इस लेंथ को प्लग करने. सो व्हाट यू सिंपली यूज, विच फॉर्मूला यू विल यू आर गोइंग टू यूज, डब्ल्यू इक्वल्स F into displacement. Very good. Exactly. What is F? What is F? Force. And what is S? Force applied. S is the displacement. So when you multiply 140 into 15, what you get? Work done equals to? 2100 joules. Very good. So you get 2100 joules. तो नाउ यू हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क डन. आपको वर्क डन में जितने न्यूमेरिकल्स थे और जो कॉन्सेप्ट था, आई होप यू गॉट इट. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? यस. नो मैम. नो. सो वर्क डन आप लोगों को क्लियर हो गया भाई? यू नो आई थिंक वर्क डन इज क्लियर नाउ. यस. सो जस्ट डू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. Yeah, can you see the question? A girl is carrying a school bag. Yes. A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. The work done against the gravitational force will be, just find it out. Anyone calculated? First of all, a girl is carrying a school bag of 3 kg mass. Mass is given 3 kg on her back and moves 200 meter. और वो कितना distance move कर रही है? 200 meter on a leveled road. जल्दी बताओ बेटा. Yes. आपको निकालना है द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. यस. मैम कुड यू शो द क्वेश्चन? ओके जस्ट वेट. यस ट्राई टू सॉल्व इट. पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए बेटा. जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. सी हियर द वर्क डन विल बी जीरो. व्हाई? बिकॉज द गर्ल इज मूविंग ऑन अ लेवल रोड. एक नॉर्मल रोड पे बच्चा चल, वो लड़की चल रही है, उसके ऊपर 3 kg मास है और ऑन अ बैक she covers 200 meter on a level road. The work done against gravitational force. अब gravitational force तो downwards करता है, right? समझ में आ रहा है कि नहीं है? Yes. And the child is moving. आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है? मैम वर्टिकल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है वो होता है बेस एक्चुअली. Yes, yes, now you have got it. Now just answer this one. Question number 7. Question number 7. Ma'am, I couldn't stand that question. The work done on an object does not depend upon the number 1, displacement, B, force applied, C, angle between force and displacement, and D, initial velocity of the object. Ma'am? Yes. Ma'am, it's D, initial velocity of the object. Yes, very good. The answer is answer D, initial velocity of the object. The work done does not depend on velocity. It depends on work done. It depends on, it depends on force and it depends on displacement.
एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन अ यू नो वन डायरेक्शन तो वो एंगल पे भी डिपेंड करता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी राइट मैम अभी वो पहला क्वेश्चन था दीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर था बेटा आई विल शो दिस व्हेन आई गेट इट आई जस्ट शो यू दिस वेट हां ओके मैम सो अदर क्वेश्चंस आर एक्चुअली कवरिंग अदर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर from this chapter, no problem. We have covered other topics also. SI unit of work. What is the SI unit of work? Joule. Right. Very good. Very good. Okay. Either work can be negative or positive. Work negative or positive हो सकता है? Yes, ma'am. Okay. So, class, listen to me very carefully. From next class onward, we are going. I'll give you some reminders during WhatsApp class time. So, be present at WhatsApp class time. I'll give you numericals on this work done. Okay? Okay, ma'am. And you have to complete all the notes up to these in-text questions. जो in-text questions हमने करे हैं वहां तक आपको सब कुछ करना है 11.2 example आपको करके रखना है आपको इतना पूरा finish करना है right? And you have to write down the notes, the definition of one joule of work, the formula of work done by a constant force, you have to note it down. And in the next class onwards, we will discuss about energy, right? So please do read the energy part also so that when we started you have some certain idea about it. Clear? Ma'am, there is some question work done. Okay. Yes. Haan, poochho beta. Ma'am, may I ask? Yes, you can ask. So ma'am, you have, see, first of all you have to do work up to here. Question number 4 तक आपको क्लास का कॉपी में काम कंप्लीट करना है यस मैम आई वॉज आस्किंग दैट हाउ टू बी कैलकुलेट द वर्क डन इफ इट इज गिवन दैट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक ऑन दैट प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टूड अगर फोर्स वर्टिकली लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स कब वर्क करेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली मूव्ड जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में द यू नो दैट पॉटर वाज लिफ्टिंग द लगेज फ्रॉम ग्राउंड टू हिज हेड तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल होगा इट मीन्स देयर विल बी सम ग्रेविटेशनल यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट तब हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को लेंगे नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन द गर्ल वॉज मूविंग ऑन अ लेवल रोड तो क्या यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा द गर्ल इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कोई भी वर्टिकल मोशन हो ही नहीं रहा बेटा इज इट क्लियर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो तभी वर्क करता है जब वर्टिकल यानी अर्थ के आप ऊपर वर्टिकली कुछ आपको यू नो अट्रैक्शन हो रहा है अर्थ से अर्थ जो है आपको वर्टिकली अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग स्मॉल चीज से मल्टीप्लाई करेंगे यू नो मास को एंड यू गेट द वेट एंड दिस वेट इज एक्चुअली द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन वर्क सॉरी विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट